हेलो ऑफिसर्स, अंडर 24/7 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तैयारी सबकी अच्छी चल रही होगी, सबने अच्छे से स्पीड भी इम्प्रूवमेंट कर लिया होगा के तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, तो हम टाइमर के साथ जैसे कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं हमारी टाइम एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। आज के सेशन में भी हम वही चीज़ कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन में हम ऑर्डर एंड रैंकिंग पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे आगे हमें क्या क्या क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में आपको 30 सेकेंड का टाइम मिलेगा, आपको हर एक क्वेश्चन 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है। सर पहला क्वेश्चन देखा ना टाइमर के साथ प्लीज। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से बताना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग से पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना सब लोग। चलो टाइम अप। ठीक है, 30 सेकेंड के अंदर कितने लोगों का इसका आंसर आ चुका है देखो जरा। समझते हैं पहले क्या दिया है। देयर आर 23 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, सुमित रैंक्स फोर्थ अमंग द बॉयज इन द क्लास। पॉइंट क्या दिया है, बॉयज के बीच में सुमित का रैंक फोर्थ है। ठीक है, तो सुमित और ये फोर्थ है बॉयज में, तो मतलब क्या हुआ कि सुमित के आगे क्लास में कितने बॉयज हुए, तीन बॉयज हुए। पॉइंट क्या दिया था, बॉयज बॉयज में सुमित का रैंक चौथा है, इसका मतलब साफ साफ क्या है, सुमित के आगे तीन बॉयज है। ठीक है, आगे दिया है शिवानी रैंक्स फिफ्थ अमंग द गर्ल्स इन द क्लास। शिवानी का रैंक गर्ल्स में दिया है और वो क्या दिया है हमें, पांचवा, तो शिवानी के आगे कितनी गर्ल्स होंगी, शिवानी के आगे कितने गर्ल्स होंगी, चार गर्ल्स होंगी। ठीक है, सुमित के आगे तीन बॉयज है, शिवानी के आगे चार गर्ल्स है। आगे क्या दिया है देखते हैं हमें, सुमित इज वन रैंक बिलो शिवानी इन द क्लास। सुमित का रैंक जो है शिवानी से एक रैंक कम है, इसका मतलब सुमित का रैंक शिवानी के जस्ट बाद में आना चाहिए, इसका मतलब सुमित का रैंक शिवानी के जस्ट बाद में आना चाहिए। इस तरीके से ये पॉइंट जो था हमने यहाँ पे रिलेट कर दिया है। ठीक है, अब देखो अगर सुमित यहाँ पे लेते हैं तो हमें एक चीज़ पता क्या थी पहले, सुमित के आगे तीन बॉयज होने चाहिए, है ना। तो इस केस में भी सुमित के आगे तीन बॉयज शिवानी तो हो नहीं सकती है, और इनके बीच में भी नहीं आ सकते हैं लोग, है ना, क्योंकि सुमित का और शिवानी का रैंक कंजिगेटिव दिया है हमें पता था, इसीलिए वो जो तीन बॉयज है ये यहाँ ना आकर आगे ही आएंगे, ये कन्फर्म हो जाएगा, है ना। ये तीन बॉयज कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ये कन्फर्म हो गया है। आगे हमें पूछा था, नो टू स्टूडेंट्स होल्ड द सेम रैंक इन द क्लास, व्हाट इज द शिवानीज रैंक इन द क्लास। अगर क्लास में किसी का भी रैंक सेम नहीं है तो शिवानी का रैंक क्या होगा, ये हमें पूछा था। अब शिवानी के आगे कितने स्टूडेंट्स हो गए टोटल, देखो चार और तीन सात स्टूडेंट्स हो गए। अगर शिवानी के आगे टोटल सात स्टूडेंट्स है तो बट ऑब्वियस शिवानी का रैंक क्या होना चाहिए था, शिवानी का रैंक होना चाहिए था एट, जो कि है हमारे पास ऑप्शन सी में, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे चेक करना आप में से कितने लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही और 30 सेकेंड के अंदर मिला है। क्लियर है सबको? ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना प्लीज टाइमर के साथ। चलो सेकेंड क्वेश्चन टाइमर के साथ सॉल्व करो जल्दी से। टाइम खत्म होने को आया है, चलो टाइम अप। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों को सही मिला है। इन अ रो ऑफ 55 स्टूडेंट्स, करंट पोजीशन इज 39 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। कितने स्टूडेंट की रो दी है हमें, 55 स्टूडेंट्स की रो। ओके चलो, एक लाइन में कितने स्टूडेंट्स है, 55, टोटल 55 स्टूडेंट्स है। क्या दिया है हमें, करंट पोजीशन इज 39 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से करंट कौन सी पोजीशन पर है, 39।
इसका मतलब करण की लेफ्ट में कितने स्टूडेंट होने चाहिए थे? करण की लेफ्ट में होने चाहिए थे 38 स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे हमें क्या दिया है, मयांक्स पोजिशन इज 36 फ्रॉम द राइट। मयांक की पोजिशन हमें कहां से दी है? राइट एंड से दी है, ठीक है। अब राइट एंड से मयांक यहां पे आएगा, मतलब करण के राइट साइड में आएगा या करण के लेफ्ट साइड में आएगा, ये कैसे क्लियर होगा? ये इस तरीके से क्लियर होगा, हमें करण और मयांक दोनों का जो रैंक दिया है ना, उन दोनों की टोटल करो, ठीक है। अगर वो टोटल 55 से ज्यादा हो रही है तो मयांक करण के लेफ्ट साइड में आना चाहिए ना, अगर वो टोटल 55 से कम हो रही है तो मयांक करण के राइट साइड में आना चाहिए। अगर यहां पे हम टोटल करते हैं तो 55 से ज्यादा हो रही है, इसका मतलब मयांक 100% करण की कौन सी साइड में आना चाहिए था? लेफ्ट साइड में आना चाहिए था, ठीक है। अब देखो यहां पर इसका रैंक राइट साइड से हमें दिया था 36, और हमें पूछा क्या है कि इन दोनों के बीच में यहां पर कितने लोग बैठे हुए हैं, यह क्वेश्चन हमें पूछा गया है, ठीक है। इसको अगर आसान करना है तो कैसे कर सकते हैं? इससे पहले सेशन में हमने रिवर्स कन्वर्जन का फॉर्मूला देखा है ना। रिवर्स कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या होता है? रिवर्स पोजिशन इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट माइनस गिवन पोजिशन, फर्स्ट प्लस लास्ट माइनस गिवन पोजिशन, ये फॉर्मूला होता है रिवर्स कन्वर्जन का। रिवर्स पोजिशन मतलब क्या? मानो मयांक की पोजिशन हमें दी है राइट साइड से 36, तो ये लेफ्ट साइड से कौन सी पोजिशन होनी चाहिए थी इसकी? फर्स्ट की वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पे? 1। लास्ट यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे? 55, तो लास्ट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 55 माइनस गिवन पोजिशन। अब मयांक की पोजिशन राइट साइड से हमें दी थी 36, तो यहाँ पर हम इसमें से माइनस क्या करेंगे? 36 माइनस करेंगे, ठीक है। ये 56 माइनस 36 कितना आता है? 20 आता है। तो मयांक की लेफ्ट साइड से रैंक जो है, ये राइट साइड से कितनी थी? 36 फ्रॉम द राइट थी, तो ये लेफ्ट साइड से कितनी हो जाएगी? 20th फ्रॉम लेफ्ट साइड। मयांक की रैंक लेफ्ट साइड से कितनी हो गई? 20 हो गई। अगर आपको याद है तो हमने, और आपने सेशन देखा हुआ है, तो हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था ना पहले कि अगर लेफ्ट साइड से 39 है और यहाँ पे लेफ्ट साइड से 20 है, इनके बीच में कितने स्टूडेंट्स आते हैं, यही तो हमें बताना था। तो कैसे करेंगे? देखो यहां से लेकर यहां तक कितने स्टूडेंट्स हैं? 38 स्टूडेंट्स है ना। यहां पे जो करण आया है जिसका रैंक 39 था, इसके लेफ्ट साइड में कितने स्टूडेंट्स है? 38 स्टूडेंट्स थे। 38 में से अगर हम ये 20 स्टूडेंट निकाल देंगे, यहां से यहां तक 38 थे, यहां से ये 20 स्टूडेंट निकाल दिए, तो यहां पे कितने बच जाएंगे स्टूडेंट्स? 18 बच जाएंगे, है ना। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए था? सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ई, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ई, जो कि है 18। क्लियर हो गया है सबको? क्या किया था हमने? देखो सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड किया कि मयांक करण की लेफ्ट साइड में आएगा या करण के राइट साइड में आएगा। ये कैसे डिसाइड किया जा सकता है? ये ऐसे डिसाइड किया जा सकता है, यहां पर हमारे पास जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो हम चेक करेंगे कैसे? इन दोनों की एडिशन करके। ये एडिशन इससे ज्यादा हो गई, मतलब मयांक इसके लेफ्ट में आना चाहिए था, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो हम थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। टाइमर के साथ सर, थर्ड क्वेश्चन दिखाना प्लीज, टाइमर के साथ। चलो तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, 30 सेकेंड का टाइमर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या मिलता है सब लोग बताओ जल्दी से। चलो 1, 2 एंड टाइम अप। यहां पर हमें नंबर दिया है 914, नंबर हमें दिया है यहां पे 9148 7536, ये नंबर हमें दिया था। चेक करते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने अल्फाबेट चैप्टर में किया हुआ है, ठीक है। सेम लॉजिक हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, 9 के बाद हमारे पास डिजिट्स नहीं है सिंगल में, तो 9 के बाद काउंटिंग नहीं होगा, 9 से हमें कोई भी पेयर नहीं मिलेगी। 1 के बाद 2 3 4 5
वन के बाद टू थ्री फोर फाइव, फाइव बोले फाइव मिला मतलब ये मिल गई हमें पहली पैर, सिक्स सेवन नहीं, वन के बाद टू नहीं मिलता है, फोर के बाद फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नहीं, फोर के बाद फाइव सिक्स नहीं, एट के बाद नाइन नहीं है, नाइन नहीं है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों भी डायरेक्शन में चेक करना है, सेवन के बाद एट नाइन नहीं, सेवन के बाद एट दूसरी पेयर मिलती है हमें, नाइन नहीं है, फाइव के बाद सिक्स सेवन नहीं है, फाइव के बाद सिक्स सेवन एट नाइन नहीं, थ्री के बाद फोर नहीं, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, थ्री के बाद हमें और एक कौन सी पेयर मिली, नाइन, सिक्स के बाद सेवन एट नाइन नहीं, कितनी पेयर मिली हमें ऐसी, तीन। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था तीन, जो कि है हमारे पास ऑप्शन ए में, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलो तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर टाइमर के साथ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना प्लीज टाइमर के साथ। चलो जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो टाइम खत्म होने को आया है। टू थ्री वन टाइम अप। चलो अब हमें दिया है टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इच ऑड नंबर, हर एक ऑड नंबर से टू सब्ट्रैक्ट किया है, एंड वन इज एडेड टू इच इवन नंबर, इवन नंबर में वन ऐड किया है। नंबर कौन सा दिया है हमें, 83526, 83526, 83526, 794, ओके, 83526, 794 ये नंबर हमें दिया था, और क्या बोला है हमें, टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इच ऑड नंबर, ऑड में से दो माइनस करना है हमें, ठीक है, ऑड में से दो माइनस करना है और इवन में एक ऐड करना है। ऑड में से दो माइनस करेंगे, इवन में एक ऐड करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग डिजिट्स विल अपीयर ट्वाइस इन द 10 फॉर्म नंबर, ऐसा करने के बाद कौन सा डिजिट दो बार आएगा, ऐसा पूछा है हमें, ठीक है, विच विल अपीयर ट्वाइस इन द नंबर फॉर्म्ड, ठीक है। इवन में एक ऐड करेंगे, आठ में एक ऐड किया नो, ऑड में से दो माइनस करेंगे एक, ऑड में से दो माइनस करेंगे तीन, इवन में एक ऐड करेंगे तीन, यहाँ पे ये रिपीट हो चुका है, इवन में से एक ऐड करेंगे सेवन, ऑड में दो माइनस करेंगे फाइव, ऑड में दो माइनस करेंगे सेवन, ठीक है, फोर में एक ऐड करेंगे फाइव, ठीक है। तीन दो बार आ चुका है, सात दो बार आ चुका है, पांच दो बार आ चुका है, ठीक है। तो थ्री फाइव एंड सेवन इसका आंसर होना चाहिए था, जो कि है हमारे पास ऑप्शन सी में। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बस हमें क्या करना है यहां पर, सही समय में इनके सही आंसर्स निकालना है, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना प्लीज टाइमर के साथ। चलो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से सॉल्व करना इसे, और सब लोग बताना, अब किसी का आंसर इसमें गलत नहीं होना चाहिए। लंच बॉक्स, एंड टाइम, ओके, चलो ओके। अब देखो लंच बॉक्स हमें कहा है, लंच बॉक्स में अगर हम सारे लेटर अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो ऐसे कितने लेटर्स रहेंगे जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, है ना। तो लंच बॉक्स में सबसे पहले तो हम लेटर्स को अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, बी मिलता है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन के बाद ओ यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। तो ऐसा सीक्वेंस हमें मिल जाएगा, कौन से लेटर ने अपनी जगह चेंज नहीं की है, तो हमें आंसर मिलता है सिर्फ और सिर्फ X, तो हमारे पास आंसर वन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए था, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारे पास यहां पर कि लंच बॉक्स इस वर्ड में अगर हम सारे लेटर्स अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ऐसे कितने लेटर्स होंगे जो
अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, हमें मिला आंसर वन, ओके ऑप्शन ए। तो चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 सेकेंड का टाइमर भी दिखाना सर प्लीज। चलो सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या मिला है सब लोग जल्दी से बताओ। एंड टाइम अप। ओके चलो इसका आंसर क्या मिलता है देखते हैं। ऑल श्री इज जय, ठीक है, ऑल श्री, सारे श्री जो है वो क्या होने चाहिए, जय होने चाहिए। दूसरा क्या दिया है, सम श्री आर राम, सम श्री, श्री का कुछ हिस्सा किस में होना चाहिए, राम में होना चाहिए, ठीक है। आगे दिया है ऑल राम इज रामा, ओके, सारे राम जो है वो क्या होने चाहिए थे, रामा होने चाहिए थे। चलो ठीक है, पहला कंक्लूजन हमारे पास क्या था देखते हैं। पहला कंक्लूजन है हमारे पास सम श्री आर नॉट रामा, सम श्री आर नॉट रामा, सम श्री आर नॉट रामा, डेफिनेट कंक्लूजन है, डायग्राम में तो सही दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ऑल होता है। क्या सारे श्री हम रामा के अंदर भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं, क्योंकि श्री का रामा के साथ कुछ भी रिलेशन पता नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री की पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है, सही हो रही है। तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए था, यहाँ पे गलत होना चाहिए था। पहला कंक्लूजन यहाँ पे क्या आएगा, गलत। दूसरा कंक्लूजन दिया है सम राम कैन बी जय, सम राम कैन बी जय, ठीक है। अब ये कंक्लूजन चेक करने से पहले सब लोग ये कंक्लूजन चेक करो और बताओ कि ये कंक्लूजन सही है या गलत है। सम राम आर जय, ये कंक्लूजन सब लोग बताओ सही है या गलत है। अब यहाँ पे राम और जय, राम का ये जो हिस्सा है ये कभी जय के बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि ये श्री में होना चाहिए। तो सम राम आर जय, ये कंक्लूजन कैसा है, सही है। तो इसी कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, इसी कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो हमारे पास जो दूसरा कंक्लूजन था वो क्या होना चाहिए था, गलत। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, नाइदर वन नॉर टू इज ट्रू, दैट इज इन ऑप्शन ई। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था ऑप्शन ई, ठीक है। मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि अगर कोई कंक्लूजन डेफिनेट होता है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, उसकी पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है, ठीक है। इसी बात को ध्यान में रखो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना प्लीज टाइमर के साथ। चलो जल्दी से बताना सब लोग इसका आंसर क्या मिला है। एंड टाइम अप। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बता रहे हैं सब लोग देखते हैं। ओके, नो गुड इज बेस्ट, चलो बात सही है, नो गुड इज बेस्ट। सेकेंड, थोड़ा सा इसको अंदर कर लेते हैं, पॉइंट हमें दिया है नो गुड इज बेस्ट। दूसरा हमें दिया था ऑल बेस्ट आर मूड, सारे बेस्ट क्या होने चाहिए, मूड होने चाहिए, चलो ठीक है। आगे हमें दिया है ऑल गुड इज बैड, सारे के सारे गुड जो है वो क्या होने चाहिए, बैड होने चाहिए, चलो ठीक है। पहला कंक्लूजन ऑल बैड कैन बी मूड, पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल बैड कैन बी मूड, सारे के सारे बैड क्या मूड के अंदर जा सकते हैं। सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि बैड का रिलेशन हमें पता है या नहीं है। बैड में गो, ये गुड आया हुआ है, गुड का रिलेशन हमें किसके साथ पता है,
बेस्ट के साथ। गुड का रिलेशन हमें किसके साथ पता है? बेस्ट के साथ। गुड बेस्ट में नहीं जा सकता, ठीक है? इसका मतलब बैड का सारा पार्ट बेस्ट में नहीं जा सकता, ठीक है? पर मूड के पास अपना खुद का भी तो पार्ट है ना ये, मूड के पास अपना खुद का भी तो पार्ट है। क्या इस पार्ट का और बैड का हमें कुछ भी रिलेशन पता है? पता है क्या हमें, ये जो मूड का खुद का पार्ट है, इस पार्ट का और बैड का हमें कुछ भी रिलेशन पता है क्या? नहीं है। अगर रिलेशन पता नहीं तो मैंने बहुत बार कहा है इससे पहले भी, जो मर्जी चाहे आपको पॉसिबल कर लो, ये सारा का सारा यहाँ पे आ सकता है। पहली पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए, ठीक है? दूसरा दिया था ऑल बैड कैन नेवर बी बेस्ट। सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं, कंक्लूजन दिया है ऑल बैड कैन नेवर बी बेस्ट, ठीक है? ऑल कैन नेवर बहुत बार कहा है, ऑल कैन नेवर का मतलब होता है सम नॉट, सम बैड आर नॉट नेवर, सम बैड आर नॉट नेवर, ऐसा मतलब होता है ऑल कैन नेवर का, हमने पहले भी देखा हुआ है। चेक करते हैं, सम बैड आर नॉट नेवर, आर नॉट नेवर नहीं होगा यहाँ पे, सम बैड आर नॉट, बैड आर नॉट बेस्ट होगा यहाँ पे, सम बैड आर नॉट बेस्ट होगा। देखते हैं बैड का कुछ हिस्सा बेस्ट के अंदर जा सकता है क्या? नहीं। ये देखो यहाँ पे बैड के अंदर जो पार्ट है जो कि गुड के अंदर है, ठीक है? क्या ये पार्ट बेस्ट के अंदर जा सकता है? ये वाला जो पार्ट बैड का गुड के अंदर है, क्या ये पार्ट बेस्ट के अंदर जा सकता है? हमारा आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें ये रिलेशन सीधा सीधा पता है। तो सारे बैड बेस्ट के अंदर नहीं जा पाएंगे, है ना? ऑल बैड कैन नॉट बी बेस्ट, ऑल की पॉसिबिलिटी क्या हो रही है? गलत हो रही है, ठीक है? इसका मतलब कंक्लूजन क्या होना चाहिए था यहाँ पर? ये जो कंक्लूजन है ये सही होना चाहिए था। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए था? बोथ वन एंड टू आर ट्रू। तो ट्वेल्थ क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था ऑप्शन ए। ट्वेल्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन ए। सेवेंथ क्वेश्चन, ट्वेल्थ नहीं, सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था ऑप्शन ए। क्लियर हो गया है सबको, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको टाइम के अंदर सॉल्व करना। चलो थर्टीन क्वेश्चन का आंसर बताना क्या होगा, टाइम खत्म हो चुका है। सम कैप इज कैट, सम कैप इज कैट, सम कैप्स आर कैट चाहिए, चलो ठीक है, सम कैप्स आर कैट, सम कार आर कैट, सम कार आर कैट, चलो ठीक है। आगे नो कैप इज अ कार, नो कैप इज अ कार, मतलब यहाँ पर इनमें कोई भी रिलेशन मतलब नहीं आ सकता एक दूसरे में। यहाँ पे पहला कंक्लूजन हमें दिया है, पहला कंक्लूजन हमें दिया है सम कैप्स आर नॉट कार, सम कैप्स आर नॉट कार। अब ये रिलेशन तो हमें डायरेक्टली दिया था ना, नो वाला है, हमने पहले भी देखा हुआ है, नो ए इज बी में सम ए आर नॉट बी 100% सही होता है। क्या कहा मैंने? नो ए इज बी में सम ए आर नॉट बी रहने दो या फिर सम बी आर नॉट ए रहने दो, दोनों भी क्या होते हैं? 100% सही होते हैं। पहला कंक्लूजन क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं हम क्या है। सम कैप आर कार, सम कैप आर कार, डेफिनेट कंक्लूजन, डायग्राम में गलत दिखता है तो गलत मार्क कर दो, है ना? ये बेसिक हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है अब तक। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था? ओनली वन फॉलोज एंड दैट इज इन द ऑप्शन बी, सो ऑप्शन फॉर द एट क्वेश्चन इज बी। ओके, चलो तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना प्लीज टाइमर के साथ।
चलो सब लोग अभी आंसर गलत नहीं करने हैं किसी को भी। टाइम अप, देखते हैं क्या आंसर मिलता है इसको इसका। ऑल कप्स आर ब्लू, ऑल कप्स आर ब्लू। चलो ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया है सम कॉफी इज टी, एंड लास्ट में दिया था सम टी इज कप। चलो ठीक है, सम टीज आर कप एंड बीच में हमने क्या छोड़ा है, सम कॉफी इज टी। चलो ठीक है, हाँ दिख रहा है ये क्या है, कॉफी। नाउ फर्स्ट कंक्लूजन, सम कॉफी बींग कप इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, सम कॉफी बींग कप इज अ पॉसिबिलिटी। कॉफी और कप का कुछ भी रिलेशन पता नहीं है, अगर रिलेशन कुछ भी मालूम नहीं, आंख बंद करके हर पॉसिबिलिटी सही मार्क कर दो। ठीक है, अब ये नींद में भी अगर ऐसा दिखे ना, तो नींद में भी इसके आंसर सही आने चाहिए। सेकंड, सम कॉफी इज ब्लू, सम कॉफी इज ब्लू, डेफिनेट कंक्लूजन, डायग्राम में ही गलत तो गलत करना चाहिए था। ठीक है, इसके लिए 30 सेकंड बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे, हार्डली 5 से 7 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए था। ठीक है ना, तो इसके लिए 30 सेकंड अगर किसी ने लिए हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लिया। ठीक है, चलो तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना प्लीज़ टाइमर के साथ। चलो लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करना इसका। चलो टाइम अप, ऑल सम इज प्लस, ओके सॉरी, ऑल सम इज प्लस। चलो ठीक है, आगे हमें दिया है सम प्लस इज डिवाइड, सम प्लस आर डिवाइड। आगे हमें दिया है ऑल डिवाइड इज मल्टीप्लाई, ऑल डिवाइड्स आर मल्टीप्लाई। ओके, फर्स्ट कंक्लूजन, सम डिवाइड इज सम, हाँ चलो सम डिवाइड इज सम। ओके, सम डिवाइड्स आर सम, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डायग्राम में ही गलत दिख रहा है, क्या करेंगे, सीधा गलत मार्क करेंगे इसको। सेकंड क्या दिया है हमें, सम डिवाइड्स आर नॉट सम, सम डिवाइड आर नॉट सम। सारे स्टेटमेंट्स हमारे पास पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है, डायग्राम में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, है ना। ये ट्रिक में मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ अब तक, ये ट्रिक्स अभी बाय हार्ट होने चाहिए आपके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कंक्लूजन जो था हमारा, इसमें कौन कौन सी दो एंटिटीज आई है, डिवाइड एंड सम, एंड सेकेंड में भी क्या आया है, डिवाइड एंड सम। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, है ना। यहाँ पर क्या इसमें आइदर और हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर क्या इन दोनों में आइदर और हो सकता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, इसका आंसर मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पर आपको ये बता दिया है कि ये दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बस आप लोग मुझे ये बताना कमेंट करके, क्या इसका आंसर आइदर और होगा। ठीक है, मैं आपके आंसर्स का इंतज़ार करूंगा। ठीक है, हम इसका आंसर, जो भी सही आंसर होगा इसका, हम बाद में देखेंगे क्या। ठीक है, चलो तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।